जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का रूमर स्मार्टफोन्स के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों हम लोग उन स्मार्टफोन्स के ऊपर बात करते हैं जो अभी दोस्तों रूमर्स में चल रहे हैं। ज्यादा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है उन स्मार्टफोन्स के बारे में, ऐसे ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग गूगल पिक्सल 6 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर बात करेंगे, गूगल पिक्सल 6 और गूगल पिक्सल 6 प्रो। इन दोनों स्मार्टफोन्स के क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, इन दोनों स्मार्टफोन्स का प्राइस क्या हो सकता है, ये कब लॉन्च होंगे, इंडिया में लॉन्च होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करना है। जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों गूगल पिक्सल 5a 5G के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो बना दिया था मैं, आई बटन पे दे दे रहा हूँ, क्लिक करके जाके देखो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। प्राइस, अवेलेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताया हूँ मैं, जाके देखो, आपको बहुत ही मजा आएगा। और आई बटन के सारी वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। शुरुआत करते हैं गूगल पिक्सल 6 से। तो गूगल पिक्सल 6 में आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा और 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अगर कैमरास की बात करें तो कैमरास इसके इतने शानदार होंगे ना, इतने शानदार होंगे कि जो Mi 11 Ultra है ना Xiaomi का, वो भी दोस्तों यहाँ पर कम पड़ेगा कैमरास के मामले में, ये उससे भी बेहतर है। मैं गूगल पिक्सल 6 की बात कर रहा हूँ, 6 प्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 ही दोस्तों यहाँ पर ना Mi 11 Ultra को पछाड़ देगा। यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और गूगल सिंगल कैमरा से ही सबको दोस्तों पीछे छोड़ देता है और यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दे रहा है। सोच सकते हो कितने शानदार कैमरास होंगे। यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ, एंड दोस्तों सही बता रहा हूँ, सेल्फी भी बहुत ही जबरदस्त है। मेगापिक्सल पे ध्यान मत दो, गूगल के कैमरास इतने लाजवाब होते हैं ना कि सब डरते हैं भाई गूगल से, इतने अच्छे कैमरास कैसे बना देता है वो। अगर दोस्तों बैटरी सेक्शन की बात करें तो 4614 एमएएच का बैटरी होगा, एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा, वाईफाई 6E का भी सपोर्ट होगा। फिलहाल तो इतने स्पेक्स अभी मालूम चल रहे हैं गूगल पिक्सल 6 के। गूगल पिक्सल 6 प्रो के स्पेक्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 6.71 इंच का, देखो यार फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलेगा कि नहीं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आपको क्वाड HD प्लस मिल जाए और भी बेहतर रेजोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ चलते हैं। OLED पैनल होगा यहाँ पर, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल सकता है, और इसके जो कैमरास है ना, ये सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा, Mi 11 अल्ट्रा, चाहे जो भी कैमरा सेंट्रिक फोन है ना फ्लैगशिप लेवल के, उन सबको पछाड़ देगा, उन सबसे आगे निकलेगा ये, क्योंकि यहाँ पर कैमरास ही इतने अच्छे मिल रहे हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। सेल्फी की बात कर लें, 12 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा पंच होल डिस्प्ले के साथ। कैमरास इतने दोस्तों शानदार है ना यार, अगर ये लॉन्च हो जाएंगे ना सारे ब्रांड्स डरने लग जाएंगे, सही बता रहा हूँ भाई, कितने अच्छे कैमरास यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे हम लोगों को, समझ गए ना, मतलब कि कैमरास में ही आग लगा देगा स्मार्टफोन। यहाँ पर 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा, एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा, एंड दोनों स्मार्टफोन्स गूगल के खुद के प्रोसेसर के साथ आएंगे। सब लोग तो बोल रहे हैं व्हाइट चैपल नाम होगा, अब देखते हैं वो कौन सा प्रोसेसर होता है, किस लेवल का होता है, स्नैपड्रैगन 888 के लेवल का होता है कि 768G 780G के आसपास का, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही मालूम चला है, दोनों स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड 12 के साथ आएंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो करीबन 2 महीने से मैं आपको इन स्मार्टफोन्स के लाइव इमेजेस रेंडर दिखाते हुए आ रहा हूँ और स्मार्टफोन्स कैसे दिखेंगे हम लोगों को मालूम चल चुका है। कुछ भी कहो, गूगल पिक्सल 6 सीरीज के डिवाइसेज जो होंगे ना, अपने प्रीपेड जनरेशन के पिक्सल डिवाइसेज से बिल्कुल अलग देखेंगे, कंप्लीटली न्यू डिजाइन के साथ आएंगे, एंड देखने में स्मार्टफोन्स बहुत ही फ्रेश लगेंगे, क्योंकि नया डिजाइन है, नए कैमरा हाउसिंग है, नए कलर यहाँ पर ग्रेडिंग किया गया है, नए मटेरियल के साथ आएंगे, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो कैमरा हाउसिंग है एकदम दोस्तों एकदम रिफ्रेशिंग डिजाइन के साथ है, ब्लैक कलर का स्ट्राइप है उसके अंदर, कैमरा हाउसिंग अलाइंड है, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, एंड जो कलर्स है ना वो भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे। आगे से देखोगे तो सेंटर पंच होल डिस्प्ले है और दोस्तों चिन भी बहुत कम है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आएंगे एंड एल्यूमिनियम बैक देखने को मिल जाएगा, कैमरा हाउसिंग ग्लास का होगा तभी वो चमक रहा है। एंड आगे देखोगे तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, नहीं तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का मिल सकता है। तो बिल्ड और डिजाइन वाइज काफी प्रीमियम होंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों देखो यार, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको लेकर अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिटरली कोई भी रूमर्स दाएं बाएं घूम नहीं रहे हैं कि ये स्मार्टफोन्स किस प्राइस पे लॉन्च हो सकते हैं, ठीक है। और मैं भी अंदाजा लगा नहीं सकता हूं, क्योंकि गूगल के स्मार्टफोन्स हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज में लॉन्च हो सकते हैं। मे बी शायद आपको 50,000 के रेंज के आसपास दिखाई दे सकता है गूगल पिक्सल 6।
अब गूगल पिक्सल 6 प्रो शायद आपको 60,000 रुपए के आसपास दिखाई दे सकता है, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। लेकिन प्राइसिंग दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा ही होगा। अब कब लॉन्च हो सकते हैं, अक्टूबर के मंथ में लॉन्च होंगे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं बात भी सही है, क्योंकि सितंबर के मंथ में एंड्रॉइड 12 का स्टेबल वर्जन रिलीज कर दिया जाएगा और ये दोनों स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो शायद आपको ये अक्टूबर के मंथ में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे जब एंड्रॉइड 12 लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों देखो यार, इंडियन अवेलेबिलिटी को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि ये स्मार्टफोन कब इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ भी मालूम चलेगा आपको बताऊंगा मैं। फिलहाल तो गूगल पिक्सल 5A 5G इंडिया में लॉन्च हो जाए वही बड़ी बात है, पिक्सल 4A 5G लॉन्च हो जाए वही बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों गूगल पिक्सल 6 सीरीज की डिवाइसेस को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही कुछ भी मालूम चलेगा मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों देखो यार, आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, गूगल पिक्सल 6 सीरीज के डिवाइसेस आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे कैमरा सबको प्रोवाइड करेंगे एंड बहुत अच्छे अच्छे कैमरा सेंट्रिक फ्लैक्सी स्मार्टफोन्स को भी आराम से किल करेंगे एंड डिजाइन वाइज भी देखने में अच्छे होंगे एंड एंड्रॉइड 12 के साथ आएंगे एंड बहुत अच्छे आपको स्पेक्स प्रोवाइड करेंगे। बस प्राइसिंग थोड़ा अच्छा रख दे गूगल तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थे गूगल पिक्सल 6 और गूगल पिक्सल 6 प्रो के। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 50 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नया गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है पिक्सल 6 सीरीज के डिवाइसेस का प्राइस क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं ऐसी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।